नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पशु टीकाकर्मियों की बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप देख सकते हैं संभलते ये खबर है उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पर जो है पशु टीकाकर्मियों ने प्रदर्शन किया और किस बात के लिए प्रदर्शन किया उसके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं आपको। तो इसमें जो पेपर में खबर छपी है वो ये है कि 2 साल से मानदेय नहीं मिलने को लेकर पशु टीकाकर्मी यानी कि चिकित्सक जो कर्मी हैं उन्होंने संविदा पर रविवार को नगर पालिका मैदान में धरना प्रदर्शन किया था। पशुपालन विभाग में 2 वर्ष से काम कर रहे संविदा कर्मियों ने टीकाकरण और टैगिंग को लेकर के अपने भुगतान की मांग को लेकर के पशु चिकित्सालय में खंड पशु चिकित्सा अधिकारी के सामने संबोधित ज्ञापन भी सौंपा और एक प्रदर्शन भी किया। खंड पशु चिकित्सा अधिकारी से जो मांगे की गई वो सैलरी देने की गई है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वैक्सीनेटर और सहायक जो हैं उनको बहुत जगहों पर अभी भी सैलरी नहीं मिल पाई है, और इससे जो है वैक्सीनेटर सहायक काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको, और वैक्सीनेटर सहायक इससे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो लगातार अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। तो इसी क्रम में वैक्सीनेटर सहायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं ये पेपर में मिली हुई जो खबर हमें व्हाट्सएप से मिली है। और दोस्तों ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, कुछ जानकारियां और हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि इस धरना प्रदर्शन के बाद में फिर क्या हुआ, क्या सरकार अब वैक्सीनेटर सहायकों को उनका मानदेय देगी या अभी भी विलम्ब करेगी। इसके बारे में जैसे ही जानकारी हमें मिलती है हम आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। साथ में कुछ जानकारियां और हैं कि दोस्तों अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस पर आप लोगों को प्रत्येक जानकारी मिलती रहती है और जैसे ही खबर आएगी सारी खबर आपको मिलती है रहती है। तो आप सारे वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी जानकारी आए या कोई भर्ती आए तो आप मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ 2 मिनट लगता है और 2 मिनट में ही आप इस विभाग की पूरी जानकारी आप इस चैनल के माध्यम से पा जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रोज़ डेली की जानकारी आप इस विभाग की मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से और हमारे साथ बने रह सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।